वन प्लस का फोन है, स्क्रीन क्रैक है, बाकी तो ठीक है। ये कितने का है? ये देखो यहाँ पे रेड टेप के शूज मिल जाएंगे सारे, जितने भी है ना इधर रेड टेप के है, ये सारी की सारी ये कलेक्शन रेड टेप है और सबके मात्र 800 रुपये प्राइस है। कोई सा भी शूज ले लो, सारे के सारे नए हैं 800-800 रुपये में। ये देखो कितना सारा सामान है, एकदम अलग ही तिजोरी खुली है ये तो पूरे चोर बाजार में। देखो मैकबुक वगैरह सब कुछ है इधर, मोबाइल दो मेरा पकड़ो, हेडफोन मैकबुक वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। अपने को कैमरा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा खासा है। अभी मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो, ये देखो आगे लेंस बाहर निकल के। आज मैं आया हूँ चांदनी चौक की संडे मार्केट, जो कि चोर बाजार के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं देखने वाला हूँ यहाँ पर आईफोन या फिर चोरी का जो सामान जो मिलता है ना, एक्चुअल में कितना सच है कि कितना मिलता नहीं मिलता। बाकी देखो पुलिस भी यहाँ पर घूम रही होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना सामान ना मैं तो अच्छे से ध्यान से रखूँगा जब, लेकिन आप भी जब आओ तो ध्यान से ही रखना अपना सामान। बाकी अभी आगे चलते हैं, जो जो मेरे को दिखता है ना मैं दिखाता हूँ। मेरा टारगेट यही है इसमें कि इस वीडियो में अच्छे से बताना है कि यहाँ पर आईफोन वगैरह जो चोरी का सामान होते हैं ना, वो एक्चुअल में कितना सच है कि मिलते हैं या नहीं। इसलिए ये वीडियो भी ना पूरी तुम भी ध्यान से देखना, अच्छे से सारी चीज़ें पता चलेगी। तो देखो एंटर होते ही ना यहाँ पर ये सारे के सारे कपड़े वो दे जो लोग अपने घर से निकाल देते हैं, मतलब जो बर्तन वालों को दे देते हैं या फिर और भी चीज़ें अपने घर से, बेसिकली जो बेकार कपड़े लोग निकाल देते हैं ना, ये वो सारे कपड़े यहाँ पर बिक रहे हैं। तो चोरी वोरी वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है अभी तक तो, जो मैंने देखा है ये सारे पुराने कपड़े हैं जो कि यहाँ पर बिक रहे हैं। बाकी अभी आगे चल रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह भी है, सारा कुछ ना सारा सामान पुराना रखा है, जो लोग अपने घर से निकाल देते हैं ना, रिटायर कर देते हैं चीज़ों को, वो देखो सारा का सारा डेकोरेशन का हो गया, कुछ भी हो गया, सारा का सारा पुराना ही सामान है यहाँ पर ये, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा तो ख़राब भी है। बाकी देखो ये टेडी बियर वगैरह भी रखे हैं, ये शायद नए हैं, देखने में तो नए से ही लग रहे हैं। हाँ ये नए ही हैं, लेकिन ये ऐसे वाले हैं जो पुराने रह जाते हैं दुकान पे रखे हुए। बाकी आगे देखते हैं क्या देखें। ये देखो पुराना सा कैमरा है कोई, तो ऐसे ही है यहाँ पर ज़्यादातर ना इसी टाइप की चीज़ें मिलती रहेगी। ये भी देखो ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा पुराना टाइप। अभी तक तो देखो कोई चोर बाजार वाला मेरे को कुछ इसमें सीन लगा नहीं, बस ये एक तरह की आप सस्ती मार्केट बोल सकते हो, ये सेकेंड हैंड वाली वही चीज़ें ज़्यादातर मिल रही है। बाकी यहाँ पर आओ तो इस चीज़ से ध्यान रखना, ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसको ओरिजिनल शूज़ कह के मेरे को 3000 रुपये का चेप रहा है ये, और जबकि है ये कॉपी। देखना अभी मेरे को क्या बोलेगा आगे। ओरिजिनल चीज़ का ओरिजिनल दाम तो ओरिजिनल थोड़ी है यार, ये क्या बात कर रहे हो तुम। तो ये कॉपी शूज़ ना मेरे को ओरिजिनल कह के चेपना चाह रहा है, ये ओरिजिनल है ये। देखो अब कुछ नहीं बोलेगा ये, क्योंकि इसे भी पता चल चुका है कि मैं जान चुका हूँ ये एकदम फेक प्रोडक्ट है। तो शूज़ वगैरह के मामले में ना यहाँ पर बहुत सारे वेराइटी मिल जाएगी। ये देखो पुराने से भी है और बहुत सारे नए भी होते हैं। तो शूज़ वगैरह लेने हो तो आ सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो मिलेंगे आपको कॉपी ही, जो कि ओरिजिनल के नाम से देंगे, तो रेट वगैरह लगवा सकते हो। बाकी देखो क्रॉकरी वगैरह जो ग्लास व्लास का सामान है वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पे रेड टेप के शूज़ मिल जाएंगे सारे, जितने भी है ना इधर रेड टेप के है, ये सारी की सारी ये कलेक्शन रेड टेप है और सबके मात्र 800 रुपये प्राइस है। कोई सा भी शूज़ ले लो, सारे के सारे नए हैं 800-800 रुपये में। ये देखो ये वाला भी कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, तो सबके प्राइस ना 800-800 रुपये रहने वाले हैं बिल्कुल फ्लैट, और यही ऑनलाइन 2-3 हज़ार रुपये के करीब के हैं। बाकी ये वाला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, जेबरा वाला। तो यहाँ पे जितने भी है ना शूज़ रेड टेप वाले, सारे के सारे ओरिजिनल है, ब्रांडेड और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। डब्बा भी देखो यहाँ पे रखा है रेड टेप का। तो अभी तक तो मैं काफ़ी घूम लिया हूँ, तो ऐसी तो मेरे को कोई चीज़ मिली नहीं, कोई फ़ोन वगैरह कोई चोरी वोरी के इस टाइप का तो कुछ चीज़ दिखी नहीं है मेरे को। बाकी ये देखो घड़ी है एप्पल जैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, कॉपी है ये भी। तो मैक्सिमम सामान ना यहाँ पर कॉपी मिलेगा, लेकिन हाँ वर्थ इट होते हैं जिस हिसाब से प्राइस वगैरह होते हैं ना, तो ठीक होता है ये। आ सकते हो चीज़ें अगर यहाँ पर आके लेनी हो ना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, लेकिन ये चीज़ याद रखना बस कॉपी ही होगी वो। तो अगर जो सोच रहे हो ना चोरी का सामान लेने आना है तो ही ज़्यादा ठीक है, तो मत ही आओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वैसे भी ऐसी चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। बाकी अगर जो आपको कुछ सस्ता सामान चाहिए ना, तो सस्ता सामान यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा, वर्थ इट है।
बाकी अभी गर्मी बहुत है तो ध्यान रखना गर्मी में, कुछ अपने साथ पानी वानी ज़रूर लेके आना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। बाकी मिलता तो यहाँ पर भी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से तो कुछ ना ही लो खाने पीने का, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो फाइनली इतना ढूंढने के बाद ना गर्मी में ये वो जगह मिली गई है जहाँ पर ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, चोर बाज़ार, जिस वजह से ज़्यादातर फेमस है। मैं यहाँ पर अभी वीडियो बना रहा था तो इन्होंने मना कर दिया, तो मैं अभी तो ना थोड़ा सा चोरी छुपे बनाऊँगा पन्नी के बीच में फंसा के, तो देखना ध्यान से अंदर क्या क्या सामान है। वैसे तो बहुत सारी आइटम है मैं देख चुका हूँ, लेकिन एक बार हल्की सी भी जगह मिले ना तो ध्यान से देना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी इस जगह पे ना अपना जीप का ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ऐसी जगह होती है जहाँ पर जीप कटती है। ये देखो कितना सारा सामान है, एकदम अलग ही तिजोरी खुली है ये तो पूरे चोर बाजार में। देखो मैकबुक वगैरह सब कुछ है इधर, मोबाइल दो मेरा पकड़ो, हेडफोन मैकबुक वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। कैमरे रखे हैं वहाँ पे सामने की साइड, अभी वीडियो बाकी ऐसे सी ही बनेगी क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा कैमरा छुपा रखा है पन्नी के बीच में। बाकी देखो लैपटॉप वगैरह भी है वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, अगर जो आके लेनी है ना तो ले सकते हैं, बहुत सही सही है चीज़ें। अब मैं सही बताऊँ तो फ़ोन वगैरह तो ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चोरी वोरी के फ़ोन लेना अच्छी बात भी नहीं होती, और पकड़े गए तो ना सीधा जेल है, तो ऐसी चीज़ तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आके लो। बाकी आप हेडफोन वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हो जो कि सस्ते में अच्छे रेट पर मिल जाएगी आपको, इसलिए मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि बिना फालतू में जेब कटवाने से अच्छा है निकल ही लो। तो ऐसी भीड़ में ना ध्यान रखना, जेब कटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी देखो मैंने कहा था ना संडे मार्केट है, चोर बाज़ार एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, चोर बाज़ार वगैरह वो तो बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है जो कि यहाँ पर चोर बाज़ार के नाम से फेमस हो चुका है, वरना देखो ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ पर सब चीज़ की मार्केट लगती है एक्चुअल में देखा जाए तो। पुराने कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप ले सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह खाने पीने की भी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस वो एक चोर बाज़ार फ़ोन वोन की वजह से ही फेमस है, तो यहाँ पे हर तरीके के लोग आ सकते हैं। बस आते हुए ना एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी पॉकेट वगैरह इन सब चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे जेब बहुत ज़्यादा कटती है। ये देखो थोड़ा सा आगे आते ही ना मेरे को फिर से फ़ोन दिख गए, वन प्लस का फ़ोन है, स्क्रीन क्रैक है, बाकी तो ठीक है। ये कितने का? 3500 का, ये 4500 का, 4500 का। और ये कितने का है? इधर आने का फोन है। ये कितने का फोन है? ये लगा ना, लॉक लगा, लॉक लगा, बैठ के देखो, बैठ के, बैठ के देखो, बैठ के। तो देखो चुपचाप बिठा बिठा के दिखा रहे हैं, तो कुछ जगह है बस ऐसी जो कि ऐसी ऐसी चीजें मिलती है, बाकी हर जगह पूरे मार्केट में ये सब चीजें नहीं मिलती। ये भी चुपचाप चुपचाप दिखा रहे हैं बस, ये 3500 का है, और इन्हें भी अभी पता नहीं है कि मैं शूट कर रहा हूँ इसे। तो मिल जाएंगे यहाँ पे सारे सारे चालू है ना? कितने कितने के? ये भाई साहब 4000 से स्टार्टिंग है हमारे, 7000 का भी है, 8000 का भी है। अच्छा, जैसा हमारा कस्टमर मांगता है वैसे। 4000 से स्टार्टिंग है, बाकी ऊपर होते रहेंगे जितने भी हो। एप्पल वगैरह कभी मिल जाते हैं? एप्पल के हाथ जैसे आते हैं लोग हमारे पास, वो भी मिल जाते कभी कभार। तो एप्पल एप्पल वगैरह के ना मंगवा सकते हो आप गोल के स्पेशल ऑर्डर पे, है ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल। बाकी टीवी वगैरह भी है यहाँ पे, टीवी टीवी कितने की? ये भाई साहब 6000 रुपये का भी हमारे पास, हमारे पास 7000 का भी, हमारे पास 10000 का भी। 10000 का भी स्मार्ट टीवी है ना सारे? स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड है। 6000 से 10000 तक के बीच में टीवी भी मिल जाएंगे, और 4000 रुपये से लैपटॉप की स्टार्टिंग है वाले, उसमें सबके अलग अलग रेट है उस हिसाब से। देखो सोनी का कैमरा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा खासा है। अभी मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो आगे लेंस बाहर निकल के चालू है अभी, बस मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं डला हुआ, बाकी तो सब ठीक है इसमें। कितने का ये? 18000। और ये वाला वीडियो बना रहेगा भाई? हाँ भाई, अरे इसलिए रेट मैंने तुम्हारे आगे इसलिए पूछे है। कितने का है? 18000। और आईफोन, आईफोन का क्या सीन होता है? आईफोन जो बेचता है ना उसे? नहीं नहीं, रेट वाला जो वीडियो पे बोलते हैं वो गलत है सब। कितना बोलते हैं? कितना बोलते हैं? 3000-4000 जो भी बोलता है वो सारे गलत बोलते हैं। वो सारे डिस्प्ले उन्हीं के फोन होते हैं वो। मिलता कितने का है? यहाँ भाई आईफोन कोई बेचता भी नहीं है। लोग कहाँ से आते हैं? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। दूर से आते हैं, नहीं मिलता ना कहीं, नहीं मिलता। बाकी तीनों कितने कितने के?
भैया ये 18,000 का, ये 15,000 का, ये 21,000 का, वो ना पसंद नहीं आया। ये वाला दिखाने का मुझे फिल्म वाला, ये वाला हाँ, ये भी बंद है चालू है का। ये क्या नाम का चालू है? ये कितने का? ये 10,000, 10,000 का। और ये कैनन 700 रुपये का मिल जाएगा चालू क्रोम कास्ट, वैसे 4-5 हज़ार का आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 700 का मिल रहा है बढ़िया एकदम। क्या प्रोजेक्टर भी चालू है? प्रोजेक्टर भी चालू है। कितने का ये? 2500 रुपये का। 2500 का। बाकी ये गेम के कंट्रोल वगैरह है, यहाँ पर गेम के कंट्रोल मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा इधर। वायरलेस चार्जर कितने का ये? 250 रुपये का। स्मार्ट वॉच वगैरह भी मिल जाएगी यहाँ पे। कैमरे इधर दिखाई दिए थे, कैमरे वैमरे कितने कितने के? ये 3-3 सौ रुपये के चालू कैमरे। 3-3 सौ के चालू है। आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी 200-200 रुपये की चालू। 200-200 की हार्ड डिस्क है चालू एकदम। ये घड़ी मिल जाएगी भैया, ये 100 रुपये की है, ये 400 रुपये की है, 500 रुपये की है। ये सैमसंग वाली है ना? ये हाथ हाथ फोटो निकालने वाला है। पोलराइड कैमरा है जिसमें यहाँ से फोटो निकल जाती है, यहाँ से चालू है ये देखो चालू है। ऐसे तो कहीं मिलेगा नहीं है इस तरह का, क्योंकि 500 रुपये का बहुत बढ़िया। ये लोग इकट्ठे करते हैं कलेक्शन की तरह, क्योंकि मिलते नहीं है आजकल ये। ये डिस्प्ले इसकी, वाह डिस्प्ले भी है देखो इसमें, यहाँ पे यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। कितने का ये? 500 रुपये। गोप्रो मिल जाएगा, गोप्रो। गोप्रो कितने का ये? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का। ये भी चालू है ना? ठीक है, गोप्रो मिल जाएगा 1,000-1,000 रुपये में। तो बाकी मैं निकले आया हूँ, बाहर आ गया हूँ मैं मार्केट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए तुम भी जब आओ ना तो पानी वानी कुछ साथ लेकर आना। मैं भी एक बोतल लेके आया था, वैसे तो मेरे को आदत नहीं है लेके चलने की, वो तो बस आ ही गया था लेके तो मेरे काफ़ी काम आ गई। लेकिन आप जब भी आओ ना तो पानी की बोतल तो पक्का लेके ही आनी है, हाल में तो गर्मी में तो आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे परेशान होने की। बाकी वीडियो बताना, वीडियो कैसी लगी है, एकदम 100% सच वीडियो दिखाई है, जो जो एक्चुअल में चोर बाज़ार में होता है ना, कि लोग कितना स्कैम करते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल सकती है, किस किस लोगों को आना चाहिए, तो सब चीज़ दिखाया है यहाँ पर। कोई भी फिल्टर लगा के कुछ वीडियो नहीं बना रखी है, बस ऊपर से ये वॉइस ओवर कर रखा है, क्योंकि इतनी भीड़ भरा का होता है तो इतना बोला नहीं जाता वहाँ पर, बहुत धूल वगैरह भी उड़ रही होती है। बाकी वीडियो पूरी की पूरी वही है जो एक्चुअल में वहाँ पर होता है, उसमें कुछ भी कट नहीं कर रखा मैंने, सब कुछ वही दिखा रखा है। तो वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जो भी कोई तुम्हारा दोस्त बोलता है ना कि आईफोन वगैरह लेना है चोर बाज़ार से, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और बताना अच्छे से।